को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। उप स्वास्थ्य केंद्र सागड़ा में लोगों के स्वास्थ्य के लिए बनाया गया है, लेकिन लोगों का स्वास्थ्य में लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जिला गरियाबंद के अंतर्गत मैनपुर ब्लॉक में आने वाले ग्राम पंचायत सागड़ा का उप स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अभी तक नहीं कोई डॉक्टर उपस्थित है ना कोई नर्स। यह उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन ग्राम पंचायत सागड़ा व आंवला भाठा व फलसापारा व डुमाघाट व कारसर के लोगों स्वास्थ्य का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। जब गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, फिर भी लोगों को गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य उपचार के लिए 10 से 15 किलोमीटर जाना पड़ता है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण के लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को शिकायत किया गया था, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और ना ही पंचायत के पदधारी लोगों का ध्यान नहीं है, जबकि इसकी जानकारी होने पर भी पंचायत के पदधारी व स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों का ध्यान इस ओर नहीं है। आदिवासी मैनपुर ब्लॉक का नाम मात्र है, लेकिन विकास ना के बराबर है। उप स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार है, वह सही से देखरेख नहीं होने की वजह से खड़हर व जर्जर स्थिति होने को है। ऐसी ही खबर जानने के लिए देखिए जांजगीर एक्सप्रेस 07 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। नवागर राछा भाटा जांजगीर चापा से बालेश्वर का सबकी रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? मैं नूरतन राम यादव सागड़ा का निवासी हूं। तो आपके जो उप स्वास्थ्य केंद्र कब से वैसे पड़ा है? ये लगभग 1.5-2 साल हो गया, कोई अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आके निरीक्षण कर चुका है, जनपद के टीम भी आके निरीक्षण कर चुके हैं, SDO TA से लेकर सभी विभाग के अधिकारी निरीक्षण कर चुके हैं, पानी नल कोई सुविधा नहीं है। तो इसके बारे में सरपंच सचिव या किसी से चर्चा की हो? इसके बारे में सरपंच सचिव लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी 1 साल हुआ है नया पंचायत चुनाव के नाम से, ध्यान नहीं दे रहे हैं। और देखा जाए तो ये पुराना मामला है, 1.5-2 साल का मामला है, तो ये बहुत एप्लीकेशन वगैरह भी कर चुके हैं सागड़ा से, लेकिन आज तक कोई इनके बारे कोई आज तक जवाब नहीं आया है। तो अधिकारी लोग ध्यान दे रहे हैं ना कोई अफसर लोग ध्यान दे रहे हैं। तो आपको गांव के लोगों को क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे किसी को सर्दी बुखार हो गया तो 10-12 किलोमीटर सर्दी बुखार के लिए भी 10-12 किलोमीटर जाना पड़ता है, अमली पदर या गोहरा पदर जाना पड़ता है, या डिलीवरी कराना हो किसी का तो उसके लिए भी जाना पड़ता है 10-12 किलोमीटर। तो बहुत सारी सुविधा परेशानी है सागड़ा के लिए, लेकिन सरकार ने जो सुविधा देने के लिए